भी हमारे यहाँ पर काफ़ी थोड़ा सड़क वड़क बनी हुई थी जी। हमने अपनी योजना में एक तो ये सौर ऊर्जा की 40 लाइट लगवाई है और सोलर, हाँ सोलर ऊर्जा, हाँ और बिजली की सुविधा है, बिजली काफ़ी अच्छी, यहाँ बिजली घर बनवाया था जी। उसमें बिजली घर में काफ़ी अच्छी बिजली आती है और सभी रोड पक्की हैं, कुछ इंटरलॉकिंग का काम करवा रहे हैं जी। कुछ चल रहा है, कुछ सी सी बनवाई है और शिक्षा की व्यवस्था ठीक है, स्कूल में टॉयलेट जी और मिड डे मील की व्यवस्था बहुत अच्छी है। थोड़ी समस्या सरकार की तरफ से आती है, जैसे कि कोई काम करना चाहते हैं प्रधान लोग, तो कुछ लोग उसमें बाधा करते हैं, रास्ता बनाने में दिक्कत करते हैं जी जी। तो उसमें मिलजुल के सब गांव वाले बड़े प्यार से निपटा लेते हैं उनको जी। और सब इंटरलॉकिंग का काफ़ी काम चल रहा है यहाँ गाँव में, और हाँ पेंशन भी काफ़ी बनी है। पेंशन में समाजवादी पेंशन जो बनी थी वो सरकार ने ख़त्म कर दी, पहले महामायावती वाली बनी थी वो सपा ने सरकार ने ख़त्म कर दी। यही हमारे कुछ ही लोग बेचारे बुजुर्ग परेशान रहते हैं, पेंशन में बड़ी दिक्कत आती है, और नेट पे डालते रहते हैं, मतलब नेट पे डाल दो, आदमी पैसा लगाता है उसमें, आधार कार्ड वगैरह लगाते हैं और बैंक में लगाते हैं अकाउंट वगैरह, फिर भी पेंशन नहीं बन पाती। मकान 9-10 आदमियों के मकान की लिस्ट भेजी जो बिल्कुल पात्र है, उनमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला सरकार की तरफ से, कोई जवाब नहीं। हम अपनी तरफ से करते रहते हैं कोशिश, ज़्यादा से ज़्यादा आम मकान जो गरीब के आपके पास मकान मिले और पेंशन बने, पर सरकार की तरफ से बहुत ही मतलब थोड़ा कम सहयोग मिलता है। अब जब से नेट पे डाल दिया, जब से बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, ऊपर जाते हुए कर्मचारी को सही तरीके से सुझाव नहीं दे पाते। बिजली हमारे यहाँ अब 17 घंटे के आसपास आती है गाँव में, बिजली बढ़िया चल रही है और सभी बढ़िया है, सब की शिक्षा की व्यवस्था बढ़िया। 3 स्कूल है, जूनियर स्कूल, एक प्राइमरी पाठशाला, एक नंबर 1 नंबर 2। मीटर लगने लग गए हैं, अब मीटरों का काम चालू हो गया गाँव में, जो आर जे बनवाया है काफ़ी अच्छा, उसमें मरम्मत वगैरह का भी रंग वगैरह करवाया है। सभी लोग यहाँ पर जब भी कोई मीटिंग होती है खुली बैठक में मीटिंग करते हैं, इसमें नेट की व्यवस्था भी लग गई, इसमें वाईफाई भी लग गया।